हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड में, जहां आप सभी को मिलती है टॉकबैक के साथ फुली एक्सेसिबल वीडियोस, जिनसे आप खुद सीखते हैं, अपने दोस्तों को दिखाते हैं। तो फिर कीजिए बिना देर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कीजिए शेयर, और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको मिल सके सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण जुनेजा। आप देख रहे हैं आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत को सफल बना सकता है, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया है, नीचे टाइटल मैंने जो वीडियो का दिया है उससे आपको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक कौन से होने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि ऑल इंडिया में, यानी ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट हॉलीडे जो होते हैं, एक साल का पूरा कंप्लीट पैकेज होता है, इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, कौन से महीने में कितनी छुट्टी है, कब है और किस दिन है। और पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि जिस वेबसाइट से मैं आपको ये करके दिखाऊँगा, उस वेबसाइट से आप पर्टिकुलर स्टेट का अलग अलग अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि स्टेट वाइज आपको कैसे चेक करना है। पहले जो मैं प्रैक्टिकल करके आपको भी दिखाऊंगा, वो आपको ज़रूर देखना है। मैं यहाँ पे हरियाणा का प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा कि हरियाणा में कितनी छुट्टियाँ कब और किस दिन है, उस हिसाब से आप अपने स्टेट का अलग अलग देख सकते हैं। पहले अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो अदर स्टेट अगर आप टिक करेंगे तो आप सही से नहीं समझ पाएंगे कि देखना कैसे है। इसलिए जो मैं प्रैक्टिकल आज समझाने वाला हूँ, पहले आप इसको पूरा देखिए, उसके बाद आप अपने स्टेट के हिसाब से चूज करके और यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी छुट्टी देखनी है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, और अदर भी देख सकते हैं, स्टूडेंट वगैरह भी जो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और एक बार फिर से, अगर आपको चाहते हैं कि हमारी मेहनत सफल हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के यूनिक वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन से उस वेबसाइट को उठाइएगा और उस वेबसाइट के थ्रू जो मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ कि गवर्नमेंट हॉलीडेज वगैरह कैसे चेक कर सकते हैं, वो आप वहाँ से चेक कर पाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है। अभी मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल अपना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में जाना है, चाहे फिर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र यूज़ करते हो, या फिर आप मोजिला फायरफॉक्स का ब्राउज़र यूज़ करते हो। तो कोई भी अगर आप ब्राउज़र यूज़ करते हो तो उस ब्राउज़र में आपको चले जाना है। तो मैं अभी क्रोम ब्राउज़र में जाता हूँ और उस वेबसाइट को ओपन करता हूँ। तो चलिए चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में। मैं क्रोम पे डबल टैप करूंगा। तो अभी हम क्रोम पे आ चुके हैं, क्योंकि मैंने अपना वो जो लिंक है बुकमार्क कर रखा है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे ऊपर दिखाएगा। तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में से उसको उठाएंगे, ओपन विद पूछेगा आपसे, फिर आप वहाँ पे क्रोम या जोन सा मर्जी ब्राउजर चूज करें, वेबसाइट ओपन हो जाएगी, मोर ऑप्शन लेके उसे बुकमार्क कर लें ताकि आपके पास वो सेव हो जाए। तो अभी मैं राइट स्वाइप करते करते अपनी वेबसाइट पे डबल टैप करूंगा। Search your type web, but start voice search. Shrimada Vaishnav Devi, how to check pension stat, public holidays in Haryana in 2019 office holidays.
ये देखिए पब्लिक हरियाणा हॉलीडे 2019, तो आप इस बात पे मत जाइए कि ये 2019 का है, ईयर हमें चेंज करना पड़ता है, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। तो अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 का हमें देखना है यहाँ पे, ठीक है, पूरा शेड्यूल कि छुट्टियाँ कब कब हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें आप पहले का भी देख सकते हैं, 16, 15, 2018, जितने ईयर का पहले का भी देखना है आप पहले का भी देख सकते हैं, और 2022 की भी छुट्टियां आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं 2021 की जो अभी स्टार्टिंग है, पूरे साल की छुट्टी आपको प्रैक्टिकल यहां पे दिखाऊंगा कौन सी छुट्टी कब कब है। तो वीडियो को प्लीज कंटिन्यू देखते रहिएगा, इस पे डबल टैप करेंगे हम। 15 दिनों के अंदर पेशन भोगियों की सूची, पब्लिक हॉलिडे 5% प्रोग्रेस बार 21% 70%। तो ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन होके आ चुकी है, अभी मैं राइट स्वाइप करते करते आगे बढ़ूंगा, लेफ्ट टू राइट, Public Holidays in Haryana 2019, Heading 1। ये इसकी हेडिंग है, ठीक है फ्रेंड्स, राइट स्वाइप करेंगे हम, होम लिंक कंट्रीज लिंक, ये कंट्रीज है इसको भी छोड़ देंगे, इंडिया लिंक, ये इंडिया लिंक है, ठीक है राइट स्वाइप करेंगे, कोलैप्स चेंज हियर पॉप अप बटन। अब देखिए यहाँ पे कोलैप्स है, कोलैप्स पे जैसे ही आप डबल टैप करेंगे तो चेंज ईयर के लिए आ जाएगा, तो मैं इस पे सिंपली डबल टैप करूंगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 2019 पे अभी हो रखा है, तो अब मुझे 2021 की देखनी है क्योंकि अभी 21 चल रहा है जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो मैं ये सिर्फ हरियाणा वालों का दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पे कि हरियाणा में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो अपनी छुट्टी कैसे देख सकते हैं। इसी तरह से जो भी लोग अदर गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट के मुझे सुन रहे हैं एम्प्लॉई हैं, वो क्या करेंगे, वो नीचे मैं ऑप्शन बताऊंगा, उसे स्टेट को अपना अपना स्टेट चूज करेंगे। फिलहाल मैं ये हरियाणा के स्टेट की छुट्टियाँ आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस पे डबल टैप करूँगा चेंज ईयर करने के लिए, 2022 की भी देख सकते हैं, 2021 की भी, और नीचे से नीचे जितनी मर्जी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल 2021 की देखेंगे हम, 2021 इस पे सिंपली डबल टैप कर देंगे, 5% प्रोग्रेस बार क्रोम 70% कोलैप्स्ड। तो मेरे सामने 2021 की जो छुट्टियां हैं वो आ चुकी हैं, अभी क्या करूंगा मैं राइट स्वाइप करते करते चलूंगा, पब्लिक हॉलीडेज इन हरियाणा 2021 होम लिंक, ये देखिए अभी इसने 2021 बोल दिया, पहले 2019 बोल रहा था ये, तो राइट स्वाइप करते करते अभी हम आगे बढ़ेंगे, कंट्रीज लिंक इंडिया लिंक, ये इंडिया कोलैप्स्ड चेंज ईयर पॉप अप बटन, यहां से ईयर चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने करके दिखा दिया है, इंडिया सेलेक्ट स्टेट लिंक, ये देखिए इंडिया सेलेक्ट स्टेट, तो यहाँ पे आप डबल टैप करेंगे तो आप अपना स्टेट चूज करेंगे, सारे स्टेट आ जाएंगे यहाँ पे, देखिए मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ, इस पे आप डबल टैप करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे आपको स्टेट मिलेंगे, ठीक है। Open. Home. Connection is office. ये फ्रेंड्स इसमें थोड़ी सी हल्की सी एड्स आएंगी, इस एड को हम स्किप करेंगे, Close ad. 5% progress bar. 80%. क्लोज एड का ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अदर स्टेट करने के लिए मैंने लिंक खोल दिया यहाँ पे, ये देखिए सारे स्टेट आ गए यहाँ पे, इंडिया 2021 एडवर्टाइजमेंट आंध्र प्रदेश हेडिंग 3, ये आंध्र प्रदेश आ गए, इस पे डबल टैप करेंगे आंध्र प्रदेश की छुट्टियां खुल जाएंगी, असम आ गया, चंडीगढ़ आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, दिल्ली गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र। तो इस तरह से आप सारे स्टेट अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो मैं अभी हरियाणा की छुट्टी आपको दिखाऊंगा उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने अपने स्टेट का पता लग जाएगा। तो मैं यहां से एक बार बैक करूंगा सिंपली, क्योंकि मैंने हरियाणा बाय डिफॉल्ट चूज कर रखा है, तो सिंपली बैक करूंगा मैं यहां पे, बैक 5% प्रोग्रेस बार 80%। अब मैं राइट स्वाइप करता करता आगे चलूंगा, पब्लिक हॉलीडेज इन हरियाणा 2021, अभी मैंने आपको दिखाया कि आपने अपना स्टेट चूज कैसे करना है, ठीक है। तो अभी मैं राइट स्वाइप करूंगा, होम कंट्री इंडिया कोलैप्स्ड चेंज इंडिया सेलेक्ट, तो हमारा स्टेट भी हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से चूज करना है। राइट स्वाइप करेंगे, ईयर प्लानर लिंक, ईयर प्लानिंग ये लिंक है, इसको भी छोड़ देंगे, सब्सक्राइब द कैलेंडर सब्सक्राइब कैलेंडर, कैलेंडर को भी आप यहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं, हरियाणा अपकमिंग हॉलीडेज हेडिंग 2, हरियाणा अपकमिंग हॉलीडे, ये आपको यहां पे हेडिंग मिल गई, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे हम,
Guru Gobind Singh, the last of the 10 living Sikh Gurus, was born on December 22, 1666 in Patna, Bihar, India. Link. ये देखिए, ये गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, तो ये हॉलीडे के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन भी देगा कि जो छुट्टी है वो किस आधार पे, वो क्यों मनाया जाता है, जो भी है ना। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है तो इसने मेरे को बता दिया कि ये क्यों मनाया जाता है। ये देखिए, Guru Gobind Singh, the last of the 10 living Sikh Gurus, was born on December 22, 1666 in Patna, Bihar, India. Link. ये देखिए, इन्होंने बता दिया कि पटना में इनका जन्म हुआ था और 10वें गुरु थे ये सिख कौम के। ठीक है, राइट स्वाइप करेंगे। Guru Gobind Singh's birthday, Jan 20, is the day. Guru Gobind Singh, the last of the 10 living Sikh Gurus, was born on December 22, 1666. Link. ये देखिए, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसने टुडे बता दिया कि आज ही गुरु गोविंद सिंह का जी का बर्थडे है। ठीक है, राइट स्वाइप करेंगे। Guru Gobind Singh's birthday, heading 5, Jan 20. ये देखिए, जैन 20, 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे है। ठीक है, राइट स्वाइप करेंगे। तो एक तो हॉलीडे ये हो गया, राइट स्वाइप करेंगे। Is the day. इस टुडे यानी आज ही है। Guru Gobind Singh, the last of the 10 living Sikh Gurus, was born on December 22nd. Indian Republic Day is celebrated on January. Guru Gobind Singh, the last of the 10 living Sikh Gurus, was born on December 22nd, 1666. ये देखिए, इसने बता दिया। ठीक है, अब अगली छुट्टी देख लेते हैं हम कब है। तो जनवरी में पहली छुट्टी 20 जनवरी को है गुरु गोविंद सिंह जी की। ठीक है, राइट स्वाइप करेंगे। Indian Republic Day is celebrated on January 26 and commemorates the establishment of the Constitution of India. ये देखिए, इसने बता दिया 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे है। Indian Republic Day is celebrated on January 26 and commemorates the establishment of the Constitution of India. इंडियन रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, ये भी छुट्टी है। ठीक है, दूसरी छुट्टी आ गई। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और छुट्टी देखते जाएंगे। जनवरी में ये दो छुट्टी आ गई आपकी, राइट स्वाइप करेंगे। Republic Day, Jan 26, is in 6 days. Indian Republic Day is celebrated on January 26th and commemorates the establishment of Link. ये देखिए, इसने बता दिया इट इज 6 डे, यानी 6 दिन बाद ये आएगा। सपोज जैसे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज से 6 दिन बाद आएगा ये। ठीक है, ये छुट्टी 6 दिन बाद आएगी, क्योंकि 20 तारीख को पहली छुट्टी थी और ये 26 जनवरी को दूसरी छुट्टी। आगे चलते हैं, राइट स्वाइप करेंगे हम। रिपब्लिक डे, हेडिंग 5. ये रिपब्लिक डे, फिर हेडिंग आ गई। Jan 26. 26 जनवरी। होम बटन, कनेक्शन इज सिक्योर, ऑफिस इज holydays.com, वन ओपन टैब, मोर अप, गुरु गोविंद, एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक, जैन, कॉमा, जैन 26, कॉमा, इज इन 6 डेज, इंडियन रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जैन 5th डे ऑफ मैगा, Copyright 2020. Republic Guru Gobind Singh's birthday. Dr. Ambedkar's Ram Navam Dot Bank Holi. Shahidi Diwas of Bhagat Singh Mahashivratri. Guru Ravidas Jayant Vasa Republic Day. Guru Gobind Singh, Tuesday. Jan 20, Tuesday. Guru Gobind Singh, Jan, Wednesday. Holiday name. Column header, row 1. अब देखिए फ्रेंड्स, ये नेम के हिसाब से बताएगा। थोड़ा सा नीचे आपको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, स्वाइप करते करते भी आ सकते हैं, तो मैं राइट स्वाइप करते करते चलूंगा। Wednesday, row 2. Holiday name, date. Column header. अब आपको ये बताएगा हॉलीडे नेम, डेट और कौन से दिन को है वो। ठीक है, राइट स्वाइप करते करते चलेंगे। Holiday name, Wednesday, Jan 20, date. ये देखिए, 20 जनवरी, Guru Gobind Singh's birthday. Holiday name. Holiday name, गुरु गोविंद सिंह बर्थडे। ठीक है, राइट स्वाइप करेंगे। Tuesday, row 3, day. अब दूसरी छुट्टी है वो ट्यूसडे को पड़ेगी, यानी मंगलवार को। वो देखते हैं क्या पड़ेगा। Jan 26, date. 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे, ये मंगलवार को पड़ेगा। अब आपको ये डे बाय डे भी बताएगा। ऊपर जो उसने बताया था वो हेडिंग थी, दो छुट्टी जो इसने बताई थी ना 20 तारीख और 26 तारीख की, वो हेडिंग थी क्योंकि वो ऊपर ऊपर आ रही थी। तो ये चार्ट जो बना है वो नीचे बना, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके। ठीक है, राइट स्वाइप करेंगे। वो मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ऊपर जो हेडिंग मिलेगी नीचे इसका पूरा चार्ट मिलेगा। राइट स्वाइप करेंगे हम। रिपब्लिक डे, Link. Holiday name. ये रिपब्लिक डे आ गया। ठीक है, अभी हम राइट स्वाइप करेंगे। Tuesday, row 4, day. अब अगला फिर मंगलवार है। ठीक है, 26 तारीख के बाद फिर एक मंगलवार की छुट्टी है। राइट स्वाइप करेंगे। February 16th, date. ये देखिए, ये आ गया 16 फरवरी। ठीक है, ये भी छुट्टी है, मंगलवार पड़ेगा। Vasant Panchami. Link. ये है वसंत पंचमी, 16 फरवरी को वसंत पंचमी है और दिन है मंगलवार। ये हो गई तीसरी छुट्टी, राइट स्वाइप करेंगे। Saturday, row 5, day. इससे अगली छुट्टी है शनिवार को। February 27, date. ये पड़ेगा आपका 27 फरवरी। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपने राइट स्वाइप करते करते चले जाना है और सारी छुट्टी आपने यहाँ पे देख लेनी है। मैं फटाफट आपको राइट स्वाइप कर करके दिखा देता हूँ।
गुरु रविदास जयंती है, ठीक है क्या? तो अब ये अगली छुट्टी है जो शनिवार को है, ठीक है। अभी मैं राइट स्वाइप करूंगा। ये देखिए शनिवार हो गया 27 फरवरी। अभी हम राइट स्वाइप करेंगे और ये फरवरी में छुट्टी है, ठीक है, उसकी है गुरु रविदास जयंती, ठीक है। ये राइट स्वाइप किया हमने, गुरु रविदास जयंती का आ गया। अभी हम राइट स्वाइप करेंगे Thursday, row 6, day. अब इससे अगली छुट्टी है वो मंगलवार को पड़ेगी, 11 मार्च, ये आ गया महाशिवरात्रि। तो ठीक है, इस तरह से आप क्या कि अपना शेड्यूल भी बना सकते हैं। सपोज आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है, आपको कहीं जाना है तो आप इस वेबसाइट पे आके छुट्टियां देख के अपना शेड्यूल बना सकते हैं। तो अभी मैं राइट स्वाइप करता करता दिसंबर तक की छुट्टियां दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना के रखिएगा अपना। तो मैं राइट स्वाइप करूंगा अभी, अब अगला आ गया मंगलवार फिर से, ठीक है। अभी हम राइट स्वाइप करेंगे यहाँ से, ये आ गया 23 मार्च, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे हम यहाँ पे, ये आ गया 23 मार्च को शहीदी दिवस है, ठीक है, इसकी भी छुट्टी है। राइट स्वाइप करेंगे, अब उससे अगली छुट्टी पड़ेगी सोमवार को, मंडे को, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे, ये पड़ेगी आपकी 29 मार्च की, ये है होली, ये देखिए होली आ गया, ठीक है, हॉलीडे नेम आ गया होली। राइट स्वाइप करेंगे, अब उससे अगली जो छुट्टी आएगी वो पड़ेगी आपकी थर्सडे की, वीरवार की, ये पड़ेगी आपकी 1 अप्रैल की, ये आपका बैंक हॉलीडे। अब हरियाणा में ये होता है या नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में तो होता है, ठीक है, हरियाणा में भी होता ही होगा जब यहाँ पे दे रखा है तो। राइट स्वाइप करेंगे, उससे अगली छुट्टी पड़ेगी आपकी वेडनेसडे की। राइट स्वाइप करेंगे, ये आपकी पड़ेगी 14 अप्रैल की, हॉलीडे नेम है डॉक्टर अंबेडकर जयंती, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे, ये 2021 का दिखा रहा हूँ मैं आपको पूरा ब्यूरो। उससे फिर अगली जो छुट्टी है वो वेडनेसडे को पड़ेगी दोबारा से, ये पड़ेगी आपकी 21 अप्रैल की, ठीक है। अप्रैल में ये तीसरी छुट्टी आ गई रामनवमी की, ठीक है, रामनवमी की छुट्टी है। राइट स्वाइप करेंगे, ये आ गया संडे, उससे अगली जो छुट्टी है ये संडे को, ये तो छुट्टी मारी गई, ठीक है, क्योंकि संडे को तो ऑलरेडी छुट्टी होती है। 25 अप्रैल आएगा, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे, ये आपकी पड़ेगी महावीर जयंती, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे, ये छुट्टी मारी गई। अब जो उससे अगली छुट्टी है वो है फ्राइडे की। राइट स्वाइप करेंगे, ये आपकी पड़ेगी 14 मई की। राइट स्वाइप करेंगे, परशुराम जयंती, ठीक है, इसकी भी आपकी छुट्टी रहेगी। राइट स्वाइप करेंगे, उससे जो अगली छुट्टी आएगी फिर वो आएगी फ्राइडे की दोबारा से। राइट स्वाइप करेंगे, 14 मई, जो परशुराम जयंती है उसी दिन ईद भी है, ठीक है, दो छुट्टी मतलब है एक ही दिन में, ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। राइट स्वाइप करेंगे, उससे जो अगली छुट्टी आएगी वो फिर आएगी संडे की। राइट स्वाइप करेंगे, ये आपकी पड़ेगी 13 जून की। राइट स्वाइप करेंगे, अब ये देखेंगे किस चीज की पड़ेगी, ये आपकी पड़ेगी महाराणा प्रताप जयंती, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे, उससे जो अगली छुट्टी आएगी वो आपकी आएगी थर्सडे की, यानी वीरवार की पड़ेगी, तारीख रहेगी 24 जून, संत गुरु कबीर जयंती, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे, उससे जो अगली छुट्टी रहेगी वो पड़ेगी आपकी बुधवार की, ये रहेगी आपकी 21 जुलाई की, ये रहेगी बकरा ईद की, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे हम, उससे जो अगली छुट्टी रहेगी वो रहेगी शनिवार की, दिन रहेगा सैटरडे, ये आपकी रहेगी जुलाई 31st, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे, अभी किस चीज की रहेगी ये देखेंगे हम, शहीद उधम सिंह जयंती है कोई, उस दिन की ये छुट्टी रहेगी, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे, उससे जो अगली छुट्टी रहेगी वो रहेगी फिर संडे की। राइट स्वाइप करेंगे, ये रहेगी आपकी 15 अगस्त की, ये आपका रहेगा इंडिपेंडेंस डे, ये भी आपकी छुट्टी जो है मारी गई क्योंकि इस दिन संडे पड़ रहा है, ठीक है, आपको जाना पड़ेगा संडे को भी। राइट स्वाइप करेंगे, उससे जो अगली छुट्टी है फिर आपकी संडे की पड़ रही है, 22nd,
date? August 22nd, 22 अगस्त की पढ़ रही है. Rakshabandhan. Link. ये आपका पढ़ रहा है रक्षाबंधन, संडे का पढ़ रहा है ये भी, ठीक है. राइट स्वाइप करेंगे. Monday. Row 21. Date. उससे जो अगली छुट्टी रहेगी फिर आपकी रहेगी मंडे की यानी सोमवार की. August 30th. Date. ये रहेगी आपकी 30 अगस्त की. राइट स्वाइप करेंगे. Janmashtami. Link. Holiday name. ये रहेगी आपकी जन्माष्टमी की, ठीक है. राइट स्वाइप करेंगे. Thursday. Row 22. उससे जो अगली छुट्टी रहेगी आपकी वो रहेगी थर्सडे यानी वीरवार. September 23rd. Date. ये रहेगी आपकी 23rd September यानी 23 September की. Haryana Heroes Martyrdom Day. Link. हरियाणा हीरो कोई डे है ये, उसकी रहेगी. राइट स्वाइप करेंगे. Saturday. Row 23. Date. उससे जो अगली छुट्टी रहेगी वो रहेगी शनिवार यानी सैटरडे. October 2nd. Date. ये रहेगी 2 अक्टूबर की गांधी जयंती की. Mahatma Gandhi birthday. Link. महात्मा गांधी बर्थडे. राइट स्वाइप करेंगे. थर्सडे रो 24 डे. उससे जो अगली छुट्टी रहेगी थर्सडे की रहेगी फिर ये. अक्टूबर 7 डेट. ये रहेगी आपकी 7 अक्टूबर की. महाराजा अग्रसेन जयंती. लिंक हॉलिडे नेम. महाराणा अग्रसेन जयंती, ठीक है. राइट स्वाइप करेंगे. फ्राइडे रो 25 डे. उससे जो अगली छुट्टी रहेगी फिर फ्राइडे की रहेगी. अक्टूबर 15 डेट. ये रहेगी आपकी 15 अक्टूबर की. दशहरा. लिंक हॉलिडे नेम. ये रहेगा दशहरा. दशहरा 15 अक्टूबर को पड़ेगा, आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है. राइट स्वाइप करेंगे. वेडनेसडे रो 26 डे. उससे जो अगली छुट्टी रहेगी फिर आपकी रहेगी बुधवार की. अक्टूबर 20th डेट. ये रहेगी आपकी 20 अक्टूबर की. महर्षि वाल्मीकि बर्थडे. लिंक हॉलिडे नेम. महर्षि वाल्मीकि बर्थडे, ठीक है. राइट स्वाइप करेंगे. मंडे रो 27 डेट. फिर उससे जो अगली छुट्टी रहेगी वो रहेगी मंडे की यानी सोमवार की. नवंबर 1st डेट. 1 नवंबर की यानी हरियाणा डे. हरियाणा डे. ये हरियाणा डे आपको पता होगा, हरियाणा डे मनाया जाता है हमारे हरियाणा में. तो राइट स्वाइप करेंगे हम. थर्सडे रो 28 डे. उसके बाद रहेगी फिर थर्सडे यानी वीरवार की. नवंबर 4th डेट. ये रहेगी आपकी 4 नवंबर की. दिवाली. लिंक. ये रहेगी आपकी दिवाली की, ठीक है. 4 नवंबर की दिवाली रहेगी. राइट स्वाइप करेंगे. फ्राइडे रो 29 डे. उसके बाद रहेगी फ्राइडे की यानी शुक्रवार की. नवंबर 5th डेट. नवंबर 5th. राइट स्वाइप करेंगे. विश्वकर्मा डे. लिंक. ये रहेगी विश्वकर्मा डे जो दिवाली से अगले दिन आता है, ठीक है. राइट स्वाइप करेंगे. फ्राइडे रो 30 डे. उसके बाद फिर फ्राइडे की छुट्टी रहेगी अगले फ्राइडे की. नवंबर 19 डेट. ये रहेगी 19 नवंबर की, ठीक है. राइट स्वाइप करेंगे. गुरु नानक बर्थडे. लिंक. गुरु नानक दिवस यानी गुरु नानक बर्थडे आता है ना जो, उनकी रहेगी, ठीक है. राइट स्वाइप करेंगे. सैटरडे रो 31 डे. उसके बाद फिर रहेगी शनिवार यानी सैटरडे. राइट स्वाइप करेंगे. December 25th date. ये रहेगी आपकी 25 दिसंबर क्रिसमस डे की. ये देखिए क्रिसमस डे. लिंक हॉलिडे नेम. तो ये आपकी पूरी 2021 में छुट्टियां रहने वाली हैं. उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपने हिसाब से अपने स्टेट की या हरियाणा की छुट्टियां यहां पे देखते रहिए. तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप शेयर भी करेंगे. तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर.